नमस्कार, इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी उबाल पे है, कह सकते हैं। संसद में लगातार विरोध विरोध विरोध, सिर्फ विरोध, काम की बातें कुछ भी नहीं। विपक्ष तो मानो किसी भी हाल में चीन के मुद्दे पे कुछ सुनने को राजी नहीं है। 9 दिसंबर को भारत चीन के बीच में जो फेस ऑफ हुआ, जिसमें कि हर किसी को पता है कि चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिक ने खदेड़ दिया, मार के भगा दिया, इतने कि न जाने कितने वीडियो आ गए, बहुत सारे वीडियो की पुष्टि कर दी। हमारे ईस्टर्न कमांड के कलिता साहब ने वहाँ से, उन्होंने भी साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया, हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया, गृह मंत्री ने बयान दे दिया, मगर कांग्रेस है कि समझने को राजी नहीं है। आखिर कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है, जब रक्षा मंत्री भी बता चुके, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी बता चुके, आखिर कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है इस बात को? क्या प्रॉब्लम है जो वो चीन के साथ हमेशा खड़ी दिखती है? ये परेशान कर रहा है। पता नहीं नेताओं को करता हो ना करता हो, लेकिन आम जनमानस को ये बहुत परेशान हो कर रहा है कि आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस ये जानना चाहती है कि हमारी तैयारी क्या है, हम कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात, इस बात को कहने के पहले, जब हमारे यहाँ जब ये लोकसभा की कार्रवाई अब टेलीकास्ट होती है, हर चैनल पर दिखाई जाती है, तो अगर हम इस तरह की जो गुप्त जानकारियां होती है, अगर वो सार्वजनिक रूप से, चाहे आप सांसद हो चाहे कोई हो, अगर सबके सामने दी जाएगी तो ये बात तो वहां तक पहुंचेगी। तो क्या कांग्रेस चीन की मदद करना चाहती है? ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा तो मानता ही नहीं कि भारत का कोई राजनीतिक दल चीन के लिए खड़ा होगा। लेकिन ये व्यवहार क्यों ऐसा हो रहा है? कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? क्या इसलिए परेशान हो रही है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो 1,35,00,000 मिलने की बात पब्लिक के सामने आ गई है? आखिर कुछ तो वजह होगी जिस कारण कांग्रेस इस तरह से बार पीछे चीन के हर बात को घुमा फिरा कर चीन पे ले आई जाती है और लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की जाती है। इस तरह से आखिर लोकसभा एक तो बहुत सीमित समय के लिए बैठता है नीति निर्धारण के लिए। उस नीति निर्धारण में हम समझते हैं कि अगर 100% कभी जीवन में काम ही नहीं हुआ है, केवल लोकसभा की कार्रवाई के नाम पर यही होता है, वॉकआउट वॉकआउट, विरोध, एक दूसरे को टोका टोकी, मुश्किल से बमुश्किल एक दो मुद्दे पर बात हो पा रही है। तो इस तरह से तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? आखिर फाइनल आउटकम क्या होगा आखिर इस शीतकालीन सत्र का? कुछ समस्या परे हैं, कोरोना भी अलग दस्तक दे रहा है। ठीक है, भारत बचा हुआ है अब तक, लेकिन सावधानी तो हमें बरतनी है। फिर मैं वापस घूम कर आता हूँ इस चीन वाले ही इशू पर। आखिर चीन के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी दिखती है? एक भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चीन युद्ध की तैयारी कर रही है पूरी तरह से। तो क्या राहुल गांधी को ये कैसे पता है कि चीन की युद्ध की तैयारी कर रही है? आखिर किस बेसिस पे राहुल गांधी करते हैं? अगर कोई आधार आपका नहीं है तो फिर आप इस तरह की बातें ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसा आधार है जिसके तहत आपको जानकारी है, तो वो जानकारी आप सार्वजन साझा करें, नहीं आम जनता के साथ नहीं करें, आप रक्षा मंत्री के साथ करें, सरकार के साथ करें। आखिर बहुत परेशान हो रही है आम जनता में इस बात को लेके काफ़ी, यानी कांग्रेस पता नहीं समझ पा रही है कि नहीं पा रही है कि पीपुल सेंटीमेंट का उनको बारे में उनको सोचना चाहिए कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। आखिर क्यों आप, और कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप भी है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के साथ आप पैसे लेते हैं, उसके ऊपर से आपने एक MOU साइन किया हुआ है। आखिर उस MOU में क्या है कांग्रेस बताए? अगर कांग्रेस ये बताती है, अगर कैसे वो बताएगी, समझ से परे है। चाहे किस बात का गुस्सा है कांग्रेस को, अगर आपके एक
राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो इसका गुस्सा आप देश से निकालेंगे? आपका राजीव गांधी फाउंडेशन का मूल उद्देश्य क्या था? कि हमें सामाजिक काम करना है। चलिए, आप एक सामाजिक काम नहीं कर पाएंगे उसके कारण, यही ना होगा, लेकिन देश की किसान मान पर आप क्यों पट्टा लगा रहे हैं? कांग्रेस को इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि देश की सेंटीमेंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं? एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा में तरह तरह की बातें करते हैं गैर राजनीतिक की, और सारी बातें राजनीतिक करते हैं आप। तो कहीं से कांग्रेस जो ये ऊहापोह की स्थिति में है, वो कहना क्या चाहती है और कर क्या रही है, करती क्या है और कह क्या रही है, इसमें बहुत ही अंतर है। अच्छा होता कांग्रेस इस बात को समझती। अब देखें, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, लेकिन वो जिस तरह से एक भी बात उनको आपको लगा जैसे कि कोई इतने बड़े पुराने पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहे हो, वो भी उसी तरह की बातें करते हैं जैसे एक छोटे नेता कांग्रेस के करते हैं। उसी तरह से अजीब व्यवहार है, नहीं शालीनता राजनीति से कहाँ गुम हो गई है पता नहीं। और शालीनता तो छोड़ें, व्यवहार आपका व्यवहार कैसा हो गया है कि आप पीपुल सेंटीमेंट जनता की भावना का आप आदर नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी भी रोड पे चलते आम आदमी से, हम तो दावा करते हैं कि कांग्रेस के 20 आदमी निकले बाहर और अनजान बन के लोगों से रिएक्ट करें, लोगों से बात करें, तब उनको समझ में आ जाएगी कि लोग क्या चाहते हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर बात हमारी उन तक पहुंच रही है तो वो कम से कम जन भावना का आदर करते हुए चीन के मुद्दे पर देश के साथ खड़े होने का प्रयत्न करें। देश के साथ प्रयत्न ही नहीं करें, वो खड़े होते हुए दिखें, शायद इसी में कांग्रेस का भी भला है और देश का भला तो है ही। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।